ब्रह्मास्त्र फिल्म के कलाकार रणबीर कपूर के गौमांस बयान का विरोध करने पर महाकाल मंदिर में बजरंग दल कार्यकर्ता के साथ पुलिस द्वारा की गई पिटाई मामले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने प्रेस वार्ता कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। रणबीर कपूर महाकाल आए थे, उज्जैन आए थे घूमने। हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी क्योंकि पूर्व में उन्होंने गोमांस अच्छा लगता है करके बयान जारी किया था। तो हम गोमांस माने तो गाय पर विश्व हिंदू समाज श्रद्धा रखता है, हम उसका विरोध करते हैं। काला झंडा दिखाने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे। उस समय दिलीप नाम के कार्यकर्ता को अकेला वहाँ अध्यक्ष के साथ खड़ा था, बाकी कार्यकर्ता भारत माता के मंदिर पे थे। वहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी और वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने जिस प्रकार से मारपीट की और उसके ऊपर जो कार्रवाई की, उसका हम विरोध करते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि उस पर की गई कार्रवाई वापस लें और जिन पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, अभद्रता की, उन पर सख्त कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे आपका? आगे आंदोलन हमारा विषय है, कोर्ट न्याय की शरण में जाएंगे, कोर्ट्स जाएंगे। रणबीर कपूर ने किस तरह से प्रमोशन किया अपने फिल्म का महाकाल के आड़े? नहीं, अब ये महाकाल के आड़े में ये प्रमोशन है कि पीआर कंपनी में यहाँ करके विवाद खड़ा करना? भाई हम जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है और वो ब्रह्मास्त्र बना रहे, वो महाकाल के भक्त है, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए थी कि मैंने जो बयान दिया पहले वो गलत दिया था। मुझे लग रहा है ऐसा कि वहाँ जो लोग जो दिलीप के साथ मारपीट कर रहे हैं, भाई ये हिंदुस्तान है, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति गाय के चर्बीयुक्त कारतूस के विरोध में ही किया था। तो हिंदुस्तान में भी मंगल पांडे के वंशज मरे नहीं हैं, हिंदुस्तान के युवाओं की रगों में खून है और वो युवा हैं, वो लड़ेंगे। आपकी सत्ता का उपयोग करके, कानून का उपयोग करके किसी को गलत फंसा के आप रोक नहीं सकते हो। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।